तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे स्टीव जिन और होगा लाला जीरो ब्रेन के सीक्रेट वेपन्स को लेने के लिए काली पहाड़ी पर जा रहे थे, और फिर जैसे तैसे कर कर उन्हें वो वेपन्स तो मिल जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वो वेपन्स उठाकर लेकर जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने जीरो ब्रेन आ जाता है, जो कि उन पर अटैक करना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अचानक से वहां पर एंडर ब्राइन आ जाता है, जो कि जीरो ब्राइन को गले से पकड़ लेता है, और ये देखकर स्टीव जल्दी से वहां से निकल जाता है। तो गाइज एक बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत हो चुकी है। गाइज आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग जीरो ब्राइन के वेपन्स जैसे तैसे ले तो आए थे, लेकिन गाइज जब हम लोग आ रहे थे तो NTT 606 ने मेरे दोस्त हीरो ब्राइन को किसी बेस में धक्का दे दिया था, और हीरो ब्राइन वहाँ पर गिर गया था। लेकिन गाइस अभी हमने प्लान बनाया है कि हम लोग उसी बेस पर जाएंगे अपने दोस्त हीरो ब्राइन को बचाने के लिए। और गाइस पता नहीं NTT 606 और जीरो ब्राइन ने क्या किया होगा मेरे दोस्त के साथ। और गाइज ये जो पीछे आपको चेस्ट नजर आ रहा है, इसमें जीरो ब्राइन के बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन्स है, जो कि मैं उसी बेस पर लेकर जाऊंगा, ताकि अगर कोई भी खतरनाक मॉब आए मेरे सामने तो उसको मैं चुटकी में खत्म कर दूं। लेकिन गाइस दिक्कत की बात यह है कि अभी तक भी हमें नहीं पता कि एंडर ब्राइन आखिर किस लिए हमारे वर्ल्ड में आया है। और गाइस मैं आपको बताऊं तो आज मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, पता नहीं आज कौन सी अनहोनी होने वाली है। लेकिन गाइज मेरे तो ख्याल से एंडर ब्राइन जरूर मेरे दोस्त हीरो ब्राइन के साथ है, क्योंकि गाइज आपको याद होगा कि जब जीरो ब्राइन मुझे मारने आया था तब एंडर ब्राइन ने मेरी बहुत मदद की थी। और गाइज अगर तो एंडर ब्राइन हमारे साथ मिल जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ जीरो ब्राइन और NTT 606 को तो हम लोग चुटकियों में हरा देंगे। लेकिन गाइज अगर तो एंडर ब्राइन किसी के साथ नहीं है तो वो आखिर इस वर्ल्ड पे आया क्यों? और गाइज पहले मैं आपको जीरो ब्राइन के सीक्रेट वेपन्स दिखा देता हूँ। तो गाइज इसमें से हम लोग थोड़े से वेपन्स लेकर जाएंगे और थोड़े से हम लोग इसी चेस्ट पे रखेंगे, क्योंकि अगर बाद के लिए हमें चाहिए होंगे तो हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। और गाइज आप लोग इस स्वर्ड में कैसी पावर है ये चेक करो सिर्फ उत्तरी। गाइज कोई भी अगर एंटिटी मेरे सामने आएगा तो मैं उसको चुटकियों में हरा दूंगा। और गाइज आप लोग ये देखो इसमें भी कितनी खतरनाक पावर है। होगा लाला चलो जल्दी, हमें अपने दोस्त हीरो ब्राइन को जल्दी से बचाना है। और गाइज आप लोग कमेंट में बताना कि हम लोग कैसे एंडर ब्राइन को अपने साथ मिला सकते हैं, क्योंकि गाइज अगर तो NTT 606 ने उसको अपने साथ मिला लिया तो मैं बता रहा हूँ हम लोग तो गए। लेकिन गाइज पहले तो हमें हीरो ब्राइन को बचाना है, और उसके बाद एंडर ब्राइन ज़रूर शायद हमारे पास आए, क्योंकि फिर हमारे पास हीरो ब्राइन होगा। और गाइज मुझे तो लगता है कि एंडर ब्राइन ज़रूर हीरो ब्राइन को ही ढूंढ रहा है, इसीलिए उसने जीरो ब्राइन को इतना मारा था। गाइज आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि जीरो ब्राइन कितनी गंदी हालत में लौटा था, एंडर ब्राइन ने लगता है उसे बहुत ही ज़्यादा मारा था, पता नहीं उस पर कौन कौन सी मैजिकल पावर यूज़ की होगी। लेकिन गाइज एक सेकेंड, ये जंगलों के बीचों बीच किसका बेस है? ओ ये तो एंडर ब्राइन है। लेकिन गाइज हमें यहाँ से साइड होना चाहिए, गाइज हमें संभल कर इसको देखना चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, ओ गाइज मुझे तो लगता है कि ये कोई डार्क एनर्जी यूज कर रहा है, देखो उसको उत्तरी। गाइज ये अपने अंदर कैसी एनर्जी डाल रहा है, और यहाँ पर देखो इतना बड़ा पोर्टल बना के रखा हुआ है। ओ गाइज लगता है कि ये किसी को बुला रहा है पोर्टल से। लेकिन एक सेकेंड, ये एंडरमैन आसमान से कैसे गिर रहे हैं? गाइज पता नहीं ये एंडर ब्राइन के पास कैसी पावर है। ओ गाइज एंडर ब्राइन तो एंडरमैन को कुछ बोल रहा है, और एंडरमैन इसकी बात भी सुन रहा है। गाइज पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ पर। गाइज एंडर ब्राइन ने तो एंडरमैन को कुछ बोला है, और एंडरमैन अब पोर्टल के अंदर जा रहे हैं। ओह गाइज लेकिन ये एंडर ब्राइन कहाँ गया? ओह होगा लाला हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। गाइज आपको क्या लगता है कि एंडर ब्राइन ने एंडरमैन को क्या बोला होगा? और ये एंडर ब्राइन तो एंडरमैन को मारता था, लेकिन ये एंडरमैन इसके दोस्त कैसे बन गए? गाइज हमने उस बुक पर पढ़ा था कि एंडर ब्राइन के पास
बहुत ज़्यादा शक्ति है। लेकिन गैस मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं पूरी शक्ति आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उस बुक पर लिखा था कि अगर तो कोई बंदा उस बुक की सारी शक्ति किसी को बता देता है तो उस बंदे के साथ कुछ भी हो सकता है, और गैस मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। और गैस देखो, अगर तो एंडर ब्राइन हीरो ब्राइन को बचाने आया है तो अभी तक उसने हीरो ब्राइन को बचा क्यों नहीं लिया? गैस आप लोग खुद ही सोचो कि अगर एंडर ब्राइन हीरो ब्राइन के साथ होता तो एंडर ब्राइन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो तो हीरो। लेकिन एक सेकेंड गैस, हम लोग उस बेस पर तो पहुँच गए हैं लेकिन यहाँ पर एंटिटी 606। और गैस आपको याद होगा कि जीरो ब्राइन की हालत कैसी थी लास्ट एपिसोड में, अभी तक जीरो ब्राइन वैसा ही है। लगता है एंडर ब्राइन ने इसे बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। गैस मुझे तो लग रहा है कि जीरो ब्राइन आज कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा कदम लेने वाला है, कहीं ये हीरो ब्रेन की शक्ति अपने अंदर न डाल ले। लेकिन गैस हमें जल्दी से जाना होगा उस बेस पर, क्योंकि वो लोग उस बेस के अंदर चले गए। और गैस आप, ओ गैस ये कितनी गहरी गुफा है, लेकिन गैस ये किसने बनाई होगी आखिर? और गैस यहाँ पर तो बहुत ही ऊंचाई पर है, जेन वापस आ जाओ, हम तीनों एक साथ जाएंगे। तो गैस प्लान ये है कि पहले तो हम लोग को इस बेस के अंदर जाना होगा, और गैस अगर तो कोई भी एंटिटी हमें देख लेता है तो मैं जीरो ब्रेन की पूरी पावर यूज़ कर दूंगा, जिससे कि हमें भागने का मौका मिल सके। और गैस जिन ये केव देखकर आया है, जिन ने कहा है कि हम लोग अंदर जा सकते हैं लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा खतरा है। गैस अभी मैं नीचे उतरता हूँ, शुक्र है मैं बच गया। लेकिन गैस जिन का कहना है कि अंदर तो पूरा लावा से भरा हुआ है, और गैस होगा लाला का कहना है कि जीरो ब्रेन ज़रूर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि गैस होगा लाला ने मेरे को बताया कि जब भी जीरो ब्रेन किसी से हारता है या उसको कोई मारता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, बिल्कुल अपने भाई हीरो ब्राइन की तरह। लेकिन गैस एक सेकंड, यहाँ पर तो दो रास्ते हैं, लेकिन हम लोग कैसे जाएंगे दोनों रास्ते में? लेकिन गैस मेरे पास एक आइडिया है, होगा लाला जिन सुनो मेरी बात। तो गैस प्लान ये है कि होगा लाला और जिन उस रास्ते पर जाएंगे और मैं अकेले इस रास्ते पर जाऊंगा, ताकि अगर इस रास्ते में हीरो ब्राइन हो तो मुझे मिल जाए और अगर उस रास्ते में हो तो इन्हें मिल जाए। गैस हमें ये करना होगा, और गैस मेरे पास जीरो ब्राइन की तो पावर है, मैं तो बच भी जाऊंगा, और गैस होगा लाला के साथ जिन भी है, होगा लाला के पास तो कोई पावर भी नहीं है। होगा लाला जिन संभल कर जाना, अगर कोई एंटिटी आए तो भाग कर मेरे पास आ जाना। तो गैस देखो, वहाँ पर तो जिन और होगा लाला को मैंने भेज दिया, लेकिन अगर तो उन्हें कोई एंटिटी देखता है तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। लेकिन गैस यहाँ पर मुझे एक रास्ता नज़र आ रहा है, और गैस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तो गैस यहाँ पर तो चार चार संचीफ है, और गैस आपको पता होगा ये कितने खतरनाक मॉब होते हैं, ये तो मुझे उठाकर फेंक रहा है। गैस लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जीरो ब्राइन भी इतना ज़्यादा गुस्सा है। गैस लगता है कि आज बहुत ही कोई बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि गैस आपको पता होगा कि जीरो ब्राइन और एंडर ब्राइन की फाइट हुई थी, और गैस अगर तो हीरो ब्रेन इस रास्ते में होता है तो मैं तो उसे बचाकर फौरन निकल लूँगा। लेकिन गैस होगा लाला और जिन उस रास्ते पर गए हैं, काश के इस बेस पर सिर्फ एक ही रास्ता होता। और गैस कहीं ऐसा ना हो, हम लोग हीरो ब्रेन को बचाने तो आए हैं लेकिन जिन और होगा लाला को भी जीरो ब्रेन पकड़कर कैद कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गैस पहले तो मैं इन टपोरियों को मारता हूँ और संजीव को भी। गैस बस एंडर ब्राइन एक दफ़ा हमारे साथ मिल जाए। लेकिन गैस पता नहीं, एंडर ब्राइन मुझे तो बहुत खतरनाक मॉब लगता है, और गैस उसकी आँख भी एक तो पर्पल है और एक वाइट है, और लेकिन गैस वो इतना खतरनाक मॉब लगता है, उसके पास जाने से भी डर लगता है, तो हम लोग उसको कैसे अपना दोस्त बनाएंगे? लेकिन गैस कहीं ऐसा ना हो जाए कि एंडर ब्राइन गलती से भी हीरो ब्राइन को मारने लग जाए, और गैस अगर तो एंडर ब्राइन हीरो ब्राइन को भी मारने लग जाएगा तो हम लोग उसको कैसे बचाएंगे? और गैस कहीं ऐसा भी ना हो कि एंडर ब्राइन यहाँ पर सिर्फ हीरो ब्राइन को और जीरो ब्राइन को मारने आया हो।
अगर तू ऐसा है तो जीरो ब्राइन और हीरो ब्राइन को एक साथ मिलकर एंडर ब्राइन को मारना चाहिए। देखो गाइज, अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन गाइज अभी जल्दी से मैं ऊपर जाता हूँ और पता नहीं यहाँ पर उतरी गाइज, यहाँ पर तो अगर मैं गिर गया तो ये दरिंदे तो मेरा कचूमर बना देंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर एक चेस्ट है, गाइज लगता है कि ये इन दरिंदों का खाना है। गाइज मैं ले लेता हूँ, और गाइज यहाँ पर तो चेन लगी हुई है, लगता है कि मैं यहाँ से वहाँ दूसरी साइड जा सकता हूँ। लेकिन गाइज उस साइड सीढ़ियाँ भी है, मैं जीरो ब्रेन की पावर से इन्हें मारता हूँ। पता नहीं जिन और होगा लाला क्या कर रहे होंगे, लेकिन गाइज अभी मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। पता नहीं कैसे दरिंदे हैं, जीरो ब्रेन ने किस किस को यहाँ पर ले आया। और गाइज मैं आपको बताऊं तो ये दरिंदे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन गाइज आपने एक बात नोट की, यहाँ पर तो मुझे कहीं भी एंटिटी 606 या, लेकिन एक सेकेंड, गाइज ये कितना खतरनाक जॉम्बी है, लगता है कि जीरो ब्राइन ने इन जॉम्बियों को बंद कर कर रखा हुआ है, लगता है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। और गाइज यहाँ पर कितने खतरनाक मॉब हैं, और गाइज मैं आपको बताऊं तो होगा लाला ने भी मुझे बताया था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंटिटी को लाते हैं जीरो ब्राइन और एंटिटी 606। लेकिन गाइज गाइज लगता है कि ये हीरो ब्राइन, होगा लाला जेन तुम लोग आ गए। लेकिन गाइज वहाँ पर देखो, जेन जल्दी आओ मेरे साथ, यहाँ पे लगता है कि ये हीरो ब्राइन है, लेकिन ये तो पूरा काला हो चुका है। गाइज लगता है कि हीरो ब्राइन का पूरा खून निकाल दिया जीरो ब्राइन और एंटिटी 606 ने मार मार कर। और गाइज मुझे तो लगता है कि अब हीरो ब्राइन के अंदर जरा भी जान नहीं है, और हीरो ब्राइन को कैसे बंद कर कर रखा हुआ है। गाइज हमें पहले तो हीरो ब्राइन को निकालना होगा, आखिरकार हमें हमारा दोस्त हीरो ब्राइन मिल ही गया। गाइज अभी जल्दी से मुझे हीरो ब्राइन को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि जीरो ब्राइन या एंटिटी 606 ना आ जाए। और गाइज हमें हीरो ब्राइन को ठीक करने के लिए किसी की मदद चाहिए, और गाइज वो सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है, वो भी एंडर ब्राइन। गाइज मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि एंडर ब्राइन अपने भाई हीरो ब्राइन को कैसे ठीक करेगा, या करेगा भी या नहीं। और गाइज अब पता नहीं एंडर ब्राइन हमें कहाँ पर मिलेगा, और हीरो ब्राइन की आंखें भी रहे, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर तो एंडर ब्राइन, ओह नहीं, मुझे लगा था कि एंडर ब्राइन हीरो ब्राइन।